तो हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स। मैंने आपको बताया कि एंथर को अगर हम इसके ट्रांसवर्स एक्सिस के अबाउट कट करेंगे तो एंथर में हमको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, 1, 2, 3, 4 थीका, दैट इज टेट्राथीकस अरेंजमेंट, और हर थीका के अंदर एक एक माइक्रोस्पोरेंजियम, टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, इसलिए टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन या अरेंजमेंट बोलते हैं। और हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल्स। और स्पोरोजिनस सेल से क्या बनेंगी, एमएमसी या पीएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलिन मदर सेल, और इसमें होगा मियोसिस, इससे बनेंगे माइक्रो स्पोर्स। एक एमएमसी, देखो एक अगर होगा स्पोरोजिनस सेल तो इससे बनेगी एक एमएमसी या पीएमसी, और यहां पे अगर हो रहा है मियोसिस तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, दैट इज एट द एंड ऑफ मियोसिस 4 माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, और ये चारों माइक्रोस्पोर कैलोस कार्बोहाइड्रेट की हेल्प से क्लस्टर के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो स्पोर टेट्राड, इसको मैंने बोला माइक्रोस्पोर टेट्राड। और ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है ये अरेंज होते हैं इस 5 तरीके से, यानी मैं बात कर रहा हूं किसका अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स इन माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो माइक्रोस्पोर टेट्राड जो बनेगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड जो बनेगा उसमें माइक्रोस्पोर्स जो 4 हैं वो कैलोस कार्बोहाइड्रेट की हेल्प से चिपके हुए हैं, और वो अरेंज कैसे होंगे तो इस 5 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, यानी 5 टाइप्स का क्या होगा अरेंजमेंट होगा। सबसे ज्यादा कॉमन अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो इस तरीके से अरेंज होंगे। इसमें तो आपको 1, 2, 3 माइक्रोस्पोर्स दिखाई दे रहे हैं, तो आपने केमिस्ट्री में मेथेन का स्ट्रक्चर पढ़ा CH4, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है उसका SP3, ज्योमेट्री क्या बताते हैं हम लोग उसकी टेट्राहेड्रल, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं CH4 अगर है तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, कार्बन 4 वैलेंसी है इसकी, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, 3, एक बॉन्ड इसके पीछे होगा जो हमको नहीं दिखाई दे रहा है, एक बॉन्ड इसके पीछे होगा जो हमको नहीं दिखाई दे रहा है। तो केमिस्ट्री में बहुत अच्छे तरीके से आप इसको समझते होंगे इस स्ट्रक्चर को। इसी तरीके से यहाँ पे ये 4 माइक्रोस्पोर्स अरेंज है, इस स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, 1, 2, 3 इसके पीछे एक है, जैसे एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक दूसरे प्लेन पे पीछे जस्ट होगा, उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन है ये पीछे, इनफैक्ट हमको दिखाई नहीं दे रहा जैसे यहाँ पे। तो इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, अभी जो हमने शेप बनाया था ज्योमेट्री वो टेट्राहेड्रल थी, तो इस अरेंजमेंट को भी हम लोग क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। तो सबसे पहला अरेंजमेंट हमने क्या बताया आपको, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ये वाला, या फिर ये चारों माइक्रोस्पोर्स जो हैं इन माइक्रोस्पोर टेट्राड इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं, इसको मैं बोल रहा हूं आइसो बाइलैटरल अरेंजमेंट। तो ये सेकेंड टाइप का अरेंजमेंट है, दैट इज आइसो बाइलैटरल अरेंजमेंट, एक लाइन में चारों होंगे तो इसको मैं बोलूंगा लीनियर अरेंजमेंट, इसको मैंने बोला लीनियर अरेंजमेंट। और ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है, 1, 2, 3, 4, अगर इसको हम इंग्लिश के किसी अल्फाबेट से रिलेट करें तो ये कैसा दिखाई देगा, टी के जैसा। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ये जो अरेंजमेंट है ये कैसा है, टी शेप्ड, ये कैसा है, टी शेप्ड अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्यूसेट अरेंजमेंट, इसको मैं क्या बोल रहा हूं, डेक्यूसेट अरेंजमेंट। तो मैंने आपको बताया कि जो माइक्रोस्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोर क्लस्टर में है जो 4 माइक्रोस्पोर्स,
इन क्लस्टर को मैं क्या बोल रहा हूं, माइक्रोस्पोर टेट्राड। और माइक्रोस्पोर टेट्राड में फोर माइक्रोस्पोर्स इस पांच मैनर में या पैटर्न में अरेंज हो सकते हैं, टेट्राहेड्रली, आइसोबाइलेट्रली, या लीनियर अरेंजमेंट होगा, या टी शेप्ड अरेंजमेंट होगा, या फिर डेकोसेट अरेंजमेंट होगा। बट द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अरेंजमेंट कौन सा है, टेट्राहेड्रल। ये बात आपको याद रखनी है। एटलीस्ट हमने आपको बताया कि मोस्ट कॉमन, मैं यहां पे कुछ पॉइंट ये हटा रहा हूं, मैं ये आप समझते हैं, इसको हमने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में किया था। एक प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से एक स्पोरोजिनस सेल, वो सारी आर्किस्पोरियल सेल से आएंगे आपको पता है, और एक स्पोरोजिनस सेल एक मदर सेल में, माइक्रोस्पोर मदर सेल में, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल चार माइक्रोस्पोर में, चारों माइक्रोस्पोर फंक्शनल होंगे। जैसे यहां पे है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स बनेंगे चार, वो चार के चारों फंक्शनल होंगे। मैं बाद में आपको बताऊंगा कि ये चारों माइक्रोस्पोर्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं जिसमें पॉलन ग्रेन्स में, मेल गैमेटोफाइट में या पॉलन्स में। मैंने आपको बताया कि इन केस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सारे के सारे माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं। चारों के चारों माइक्रोस्पोर क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन बनाते हैं। तो एक स्पोरोजिनस सेल से एक एमएमसी, एक एमएमसी से फोर माइक्रोस्पोर्स, फोर माइक्रोस्पोर से फोर पॉलन ग्रेन्स मेल गैमेटोफाइट्स, यानी एक एमएमसी या एक पीएमसी से चार पॉलन ग्रेन बनेंगे। इसलिए मैं इसको बार बार बता रहा हूं आपको, क्योंकि मेगा स्पोरोजेनेसिस में हम इसका इससे थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस समझेंगे। वहां पे तीन मेगा स्पोर्स डीजनरेट हो जाते हैं, एक ही मेगा स्पोर्स फंक्शनल होती है। तो हमने बताया कि ये पांच तरीके से अरेंजमेंट होगा माइक्रोस्पोर का, माइक्रोस्पोर टेट्राड में। पहला हमने बताया टेट्राहेड्रल। तो यहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूं। हमने कहा कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अरेंजमेंट कौन सा है, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे ये मोस्ट कॉमन किसके डिफरेंस में बोल रहा हूं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के लिए मैं लिख रहा हूं एंजियोस्पर्मिक प्लांट, क्योंकि हम लोग ये पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं किसके डिफरेंस में, एंजियोस्पर्मिक दैट इज फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। अगर आपसे कोई पूछे कॉमन टाइप ऑफ अरेंजमेंट कौन कौन सा है, तो दो अरेंजमेंट हमको ज्यादा दिखाई देंगे, एक तो टेट्राहेड्रल और दूसरा आइसो बाइलेट्रल। तो मैंने आपसे बोला कि अगर मोस्ट कॉमन पूछे तो टेट्राहेड्रल, अगर कॉमन टाइप ऑफ अरेंजमेंट पूछे इन केस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट तो टेट्राहेड्रल एंड आइसोबाइलेट्रल। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप ये समझिए कि प्लांट का नाम मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज एरिस्टो लोकिया। कौन सा प्लांट है ये, एरिस्टोलोकिया। इस प्लांट में पांचों टाइप के अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं। मैंने आपसे कहा कि ज्यादातर एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट दिखाई देगा, लेकिन कॉमनली हमको दो दिखाई देते हैं, टेट्राहेड्रल एज वेल एज आइसोबाइलेट्रल। एरिस्टोलोकिया प्लांट में पांचों अरेंजमेंट होते हैं, टेट्राहेड्रल भी, आइसोबाइलेट्रल भी, लीनियर भी, और टी सेपरेट भी, और डेक्यूसेट भी। ये पांचों टाइप के अरेंजमेंट होते हैं। यानी हमने कहा कि ऑल द फाइव टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ एरिस्टोलोकिया प्लांट। एक फैमिली का नाम मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज साइपरेसी फैमिली। साइपरेसी फैमिली में पहली इंपॉर्टेंट बात तो हमको ये याद रखनी है कि यहां पे लीनियर अरेंजमेंट होगा। दूसरी चीज ये कि लीनियर अरेंजमेंट में 1, 2, 3, 4 ये चार क्या बन गए, माइक्रोस्पोर्स इस तरीके से एक लाइन में अरेंज है। जैसे कि ये इसमें से यूजुअली क्या होता है कि ये भी फंक्शनल होगा, ये भी फंक्शनल होगा, ये भी फंक्शनल होगा, ये भी फंक्शनल होगा, चारों माइक्रोस्पोर चार पॉलिन ग्रेन्स बनाएंगे। लेकिन इन केस ऑफ साइप्रेसी फैमिली 1, 2, 3 यानी कि ये तीन माइक्रोस्पोर्स डीजनरेट कर जाएंगे। डीजनरेट कर जाएंगे यानी कह सकते हैं ये नॉन फंक्शनल है। ये जो अकेला है माइक्रोस्पोर ये क्या होगा, फंक्शनल होगा। यानी ये जो माइक्रोस्पोर है ये फंक्शनल माइक्रोस्पोर होगा, ये पॉलन ग्रेन में ट्रांसफॉर्म होगा। तो यहां पे थोड़ा सा अलग हो गया कि यूजुअली एक स्पोरोजिनस सेल से एक पीएमसी या एक एमएमसी,
उससे चार माइक्रोस्पोर्स और चार माइक्रोस्पोर से चार पॉलन ग्रेन्स, यानी एक एमएमसी या पीएमसी से चार पॉलन ग्रेन्स यूजुअली होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ साइपरेसी फैमिली एक एमएमसी से एक ही पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, क्योंकि बचे हुए एक माइक्रोस्पोर से ही पॉलन ग्रेन बन रहा है। तीन माइक्रोस्पोर्स ऑलरेडी डिजनरेट हो जा रहे हैं। तो ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे साइपरेसी फैमिली में हमको लीनियर अरेंजमेंट दिखाई देता है। और लीनियर अरेंजमेंट के बाद हमने दूसरा पॉइंट जो ड्राइव किया वो ये कि यहाँ पे एक एमएमसी से एक ही पॉलन ग्रेन बनेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए कि एक प्लांट है जिसको हम लोग बोलते हैं कैलोट्रोपिस प्लांट में स्पेशलिटी क्या है? हमने आपको बताया कि एक एंथर में दो लोब्स और हर एक लोब में दो दो थीका, टोटल फोर थीकास प्रेजेंट होंगे और हर थीका में एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया, फोर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होंगे और एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजिनस सेल्स होंगी। वो बहुत सारे क्या बनाएंगे, माइक्रोस्पोर्स बनाएंगे और अल्टीमेटली माइक्रोस्पोर्स कैलेस एंजाइम की हेल्प से क्या हो जाते हैं, कैलोस डाइजेस्ट हो जाते हैं और सारे माइक्रोस्पोर्स सेपरेट होकर के इंडिविजुअल पॉलन्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। इज इट क्लियर? यानी कि एक ही माइक्रोस्पोरेंजियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स अगर बन रहे हैं या माइक्रोस्पोर इटसेल्फ की मैं बात करूं तो अलग अलग दिखाई देंगे थोड़ी देर के बाद बनने के, और एक एक माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन डाइसेंस पे रिलीज होंगे। डाइसेंस हम डिटेल में पढ़ेंगे एंथर का। लेकिन एक और चीज हम बताएंगे जब डाइसेंस पढ़ाएंगे कि बताया भी था हमने कि मैच्योरेशन पे अगर हम मैच्योर्ड एंथर को देखेंगे तो दो माइक्रोस्पोरेंजिया ना होकर के एक लोब के अंदर एक ही माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देता है जिसको पॉलन सैक बोलते हैं। यानी कि जब एंथर मैच्योर हो जाएगा तब दो माइक्रोस्पोरेंजिया की जगह पे एक ही वहां पे माइक्रोस्पोरेंजिया दिखाई देगा एक लोब में, यानी कि उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पॉलन सैक। लेकिन उस पॉलन सैक में सारे के सारे माइक्रोस्पोर्स या पॉलन्स अलग अलग होंगे यूजुअली हमने बोला। There are some exceptions as well, उसी की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन usually हमने बोला कि सारे के सारे क्या होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन कैलोट्रोपिस प्लांट में एक लूप के अंदर जितने भी माइक्रोस्पोर टेट्राड्स बनते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, क्लस्टर बना लेते हैं, बंच ऑफ पॉलन्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि एक पूरे के पूरे लूप में बंच प्रेजेंट होगा। जैसे कि अगर मैं यहां पे स्ट्रक्चर बनाऊं तो एंथर का एक लोब ये हो गया और एंथर का ये क्या हो गया, दूसरा लोब हो गया। तो इसके अंदर ये जो पॉलेंस हैं या माइक्रोस्पोर्स हैं ये आपस में क्या होंगे, इस तरीके से चिपके हुए होंगे, यानी कह सकते हैं बंच ऑफ माइक्रोस्पोर्स दिखाई देंगे। एक लोब के जितने माइक्रोस्पोर या माइक्रोस्पोर टेट्राड्स होंगे वो आपस में चिपक जाएंगे और ये क्लस्टर या बंच की फॉर्म में पूरे के पूरे लोब में इस तरीके से फेल होंगे। और यहां पे हम एक इस स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं पोलिनियम, इसको मैंने बोला पोलिनियम। तो ये वाला भी स्ट्रक्चर क्या होगा, पोलिनियम होगा, यानी टोटल टू पोलिनियम पोलिनिया प्रेजेंट है यहां पे। और ये जो पोलिनियम है यहां पे जुड़े हुए होंगे और जिस स्ट्रक्चर से जुड़े हैं इसको मैं बोल रहा हूं कॉर्डिकल। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दो पोलिनियम अलोंग विद कॉर्डिकल इसको मैं बोल रहा हूं ट्रांसलेटर एपैरेटस, इसको मैंने बोला ट्रांसलेटर एपैरेटस। तो एक कॉमन सा क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है इसलिए मैंने आपको बताया कि कैलोट्रोपिस कौन से प्लांट में ट्रांसलेटर एपैरेटस या कौन से प्लांट में पोलिनियम पाया जाता है। तो होता क्या है ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन पूछा अभी तक क्या गया है ट्रांसलेटर एपैरेटस कहां पाया जाता है। तो सिंपल सा आंसर है कैलोट्रोपिस में।
एक और प्लांट का नाम मैं आपको बता रहा हूं, इसको हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, आपने नोट कर लिया होगा या फिर नोट तो है ही नोट्स में, करने की कोई जरूरत ही नहीं आपको। तो एक और मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, एक या तीन एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, तीन एग्जांपल, तीन प्लांट के नाम, जंकस, जेट्रोपा और एक प्लांट में बता रहा हूं आपको, दैट इज टाइफा। इन तीनों प्लांट्स में जो माइक्रोस्पोर टेट्रार्स बनते हैं वो कभी अलग नहीं होते उनके माइक्रोस्पोर्स। मैंने आपको बताया कि जंकस, जेट्रोपा और टाइफा में जो माइक्रोस्पोर टेट्रार्ड है उसमें प्रेजेंट फोर माइक्रोस्पोर्स ऑलवेज एक दूसरे से अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं। और यहां पे जो पॉलन ग्रेन बनेगा, इस पॉलन ग्रेन को मैं बोल रहा हूं कंपाउंड पॉलन ग्रेन। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है कि कंपाउंड पॉलन ग्रेन इसमें पाए जाते हैं तीन प्लांट में। एक और याद रख लीजिए आप लोग, कस्कुटा प्लांट है, इसमें 11-11 माइक्रोस्पोर्स, 11-11 माइक्रोस्पोर्स का क्या होता है, सेल प्रेजेंट होता है 11-11, और यानी कह सकते हैं यहां पे भी पॉलीस्पोरी दिखाई देती है हमको। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको याद रखने हैं। मोस्ट ये पांच तरीके से अरेंज हो सकते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड में, माइक्रोस्पोर्स टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, लीनियर, टी शेप्ड और डेकुसेट। और हमने बताया कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अरेंजमेंट कौन सा है, टेट्राहेड्रल। कॉमन टाइप ऑफ अरेंजमेंट अगर पूछा जाए तो ये दोनों होंगे। एरिस्टोलोकिया में बताया हमने पांचों अरेंजमेंट देखने को मिलते हैं। साइप्रेसी फैमिली में लीनियर अरेंजमेंट होगा, लेकिन तीन माइक्रोस्पोर्स डीजनरेट हो जाएंगे, एक ये फंक्शनल माइक्रोस्पोर होगा जिससे मेल गैमेटोफाइट डेवलप होगा। और कैलोट्रॉपिस पे हमने आपको बताया कि एक लोब के अंदर जितने माइक्रोस्पोर्स होंगे वो बंश या क्लस्टर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। इस पूरे बंश या क्लस्टर को हम लोग बोलेंगे पोलिनियम। तो इस तरीके से एक दो पोलिनियम कॉर्टिकल के हेल्प से जुड़े होंगे और इस एग्रीगेट स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, ट्रांसलेटर एपरेटस बोलेंगे। फिर हमने आपको बोला कि जंकस, जेट्रोपा और टाइफा में पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो कंपाउंड पॉलन ग्रेन होते हैं, और इसके अंदर जो माइक्रोस्पोर टेट्रार्ड बनता है इन तीनों प्लांट में वो कभी सेपरेट नहीं होते उनके माइक्रोस्पोर्स। कस्कुटा प्लांट में हमने आपको बताया कि 11 माइक्रोस्पोर्स के सेट होते हैं, यानी यहाँ पे भी पॉलीस्पोरी कंडीशन देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओरिएंटेड पॉइंट्स हमने आपको दिए जो आपको याद रखने हैं, एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा क्या करेंगे, आपको हेल्प करेंगे जब आप गाइड्स लगाएंगे या फिर किसी कोचिंग की अगर आप एमसीक्यूज वाली सीट लगा रहे हैं तो आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगा इस पॉइंट से। ठीक है, इसके बाद का टॉपिक हम लोग आगे के वीडियो में करेंगे।